हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम बच्चों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? मजे में? बिल्कुल ठीक ठाक भाई, हम भी एकदम ठीक ठाक, सब कुशल मंगल। गुड आफ्टरनून सब बेटा, ऑडियो वीडियो सब फाइन चल रहा है सब प्रकार से? लड्डू बढ़िया, लड्डू सो रही है, नींद के आलम रहे। हाँ अच्छा जी बच्चों, कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाओ, मुद्दे पे आते हैं। तो बच्चों, कल की क्लास में आप लोगों ने टॉपिक किया था एलिगेशन स्टार्ट। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन, एलिगेशन क्या होता है, ये बातें आपको समझ में आई? जितनी बातें हमने कल पढ़ी, एक मैंने आपको 1 घंटे की जर्नी में कंसेप्चुअल चीजें सिखाई थी कि व्हाट इज द कंसेप्ट। तो बच्चों, कंसेप्ट के अंदर देखो, हमने, मैं 5 मिनट में कल की बात को रिवाइज कर रहा हूं। हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा था, मैंने आपको ये बताया था कि मान लो आपके पास कोई चीज 30 रुपीज पर केजी वाली है, वैसे ही आपके पास दोस्तों एक चीज 50 रुपए पर केजी वाली है, और आप इन दोनों को इस प्रकार से मिलाते हैं कि एवरेज का रेट है ना, वो 42 रुपीज पर केजी आ जाता है। तो आपसे सवाल ये पूछते हैं कि बताओ आपने इनको किस रेशो में मिलाया होगा। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया थी कि केवल इनका अंतर ज्ञात करना है 8, इनका डिफरेंस निकालना है 12, यानी आप ये कह सकते हो कि सर इनको 2:3 में मिलाया होगा, 2:3 में मिलाया होगा, ये वाली बात आपके लिए कंफर्म है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, जैसे मान लो 2 और 3 नंबर रेशो आ गया, अभी कुछ भी बोल देगा, इसकी क्वांटिटी मान लो आपको बोल दी इन्होंने 210 केजी है, तो आप ये बात समझ जाओगे ना कि 3 की वैल्यू अगर 210 है तो 1 की 70 और 2 की आएगी 140 केजी। तो वो अब आपसे इनमें कोई भी बात पूछ सकता है, लेफ्ट राइट जाकर दाएं बाएं करके कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी है, चलेगा, ठीक है। एक कंसेप्ट आपने ये किया दोस्तों। दूसरा कंसेप्ट आपको मैंने ये बताया था कि मान लो ये वाला आर्टिकल 30 रुपीज पर केजी है, इसका रेट अपने को नहीं पता, एवरेज का रेट 42 रुपीज पर केजी है दोस्तों, और ये मैंने आपको बता दिया कि इनको 2:3 में मिलाया है, तो आपको ये वाला रेट फाइंड करना था। तरीका वही है, मैंने क्या बताया आपको कि 30 और 42 का अंतर आता है जी 12, आपने कहा ठीक है सर। तो बच्चों, अगर ये 4 टाइम है, अगर ये 4 गुना है, तो क्या इधर भी 4 गुना आएगा, मतलब 8 आएगा भाई? ये अगर 4 गुना है तो ये 4 गुना ही आएगा ना, 8 है। अब आपको ये बात कॉमन सेंस से पता होनी चाहिए कि इन दोनों का डिफरेंस आएगा 8, लेकिन आप गलती से 34 मत कर देना, आप यहां पर 50 करना। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं बच्चों, ये जो मीन वैल्यू होती है ना, मीन वैल्यू ये एक्चुअल में इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में आती है। ये जो मीन वैल्यू होती है ना, ये इन दोनों के मध्य में आती है, इनके बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, मतलब 30 से कम नहीं होगी, 50 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। ये सेकंड वाली बात पढ़ी बच्चों, फिर आपने थर्ड वाली बात एक और पढ़ी थी जो आपको मैंने सबसे इंपॉर्टेंट कही थी आपसे लिए, कि पूरी मैथ में आपकी हेल्प करेगी ये। 30 रुपीज पर केजी, 50 रुपीज पर केजी की कोई दो आर्टिकल वस्तुएं हैं, आपने इनको 2:3 में मिलाया, तो ये मीन वैल्यू ज्ञात करने के तरीके एक बार समझ लीजिएगा। जो पहला तरीका मैंने बताया था वेटेड एवरेज वाला, क्या आप लोगों की मस्तिष्क में ये बात फिट हो गई? बटा में 5 करना है, 60 और 150, 210/5 करोगे बेटा, उत्तर आ जाएगा 42। वेटेड एवरेज से आपका उत्तर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मैंने आपको यह समझाई थी कि 30 और 20, 50 का अंतर आता है 20। 30 और 50 का अंतर कितना आता है? 20। इस 20 को आपने 2:3 में डिवाइड कर दिया, 2:3 में डिवाइड कर दिया, तो यकीनन ये 8 और ये 12 होगा। अब ये बात आपकी समझ में आ गई कि ये 8 होगा और ये क्या होगा? 12, ठीक है। तो आप ये समझो कि इधर जो संख्या आएगी ना, वो 50 से तो 8 छोटी आएगी
और 30 से 12 बढ़ी आएगी, मतलब कितनी आएगी, 42। ये सेकंड वाले तरीके से आप ज्ञात कर पाते हैं। और थर्ड तरीका मैंने आपको ये बताया था, थर्ड तरीका मैंने आपको ये समझाया था, डेविएशन मेथड। मैंने कहा कि 30 और 50 के बीच में कोई संख्या मान लो, आपने 40 मान ली, सपोज करो, ठीक है। अब ये इसमें से 10 कम है और 2 बार कम है, तो 10 दूनी 20 कम हो गया। ये 10 ज्यादा है 3 बार, तो प्लस का 30 हो गया दोस्तों, बटा में 5 कर लीजिएगा, तो 40 प्लस 10 बटा 2 5, यानी 40 बटा 2 कितना हो गया, 42। ये 3 तरीके बताए थे, 3 तरीके मैंने कहा था कि आप तीनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हो, वो डिपेंड करता है जी सवाल के डेटा पर। कई बार ऐसा होगा कि डेविएशन तुम्हें बहुत आसान लगेगा, कई बार ऐसा होगा कि सेकंड वाला टाइप तुम्हें बहुत आसान लगेगा, और दोस्तों कई बार तुम्हारे लिए फर्स्ट वाला करना मजबूरी बन जाएगा। कई बार हम आपके लिए फर्स्ट वाला तरीका ही काम करेंगे। क्या इन सारी बातों को, इन सारे पॉइंट को आप समझ गए? हाँ यशिका, कुछ भी आप 30 मानो, 31 मानो, 32, 33, 40, 45, 50, कुछ मर्जी मानो, बस ये ध्यान रखना कि 30 से कम मत मानना, 50 से ऊपर मत मानना, बस ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको ये कहा था कि जो पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी, शीट नंबर 1 प्रोवाइड करवाई थी, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। हमने बेसिक बेसिक वाली बातों को सिंपल बताया कैसे कैसे करना है। आप लोग मुझे एक बार इतना बता दो, सवाल नंबर 1 से लेकर 20 तक सबने कर लिए क्या? 1 से लेकर 20 तक ही बोलिएगा, किसी का कोई दिक्कत कोई समस्या है तो, 1 से लेकर 20 तक के सवालों में किसी प्रकार का कोई डाउट किसी बच्चे का। एक सवाल आया कमल का, 17, बाकी सबके हो गए हैं, तो 20 तक के सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक 17 नंबर सवाल करना है जी, ठीक है बच्चों, मैं कर लेता हूं, ठीक है ठीक है, घबराओ मत। सुनो भाई ध्यान से, लैंग्वेज को समझो क्या कहता है। दो प्रकार की चीनी 5.60 रुपए प्रति किलोग्राम और 6.40 रुपए प्रति किलोग्राम है। पहली वाली 20 किलोग्राम की चीनी दूसरी वाली की कितनी चीनी मिलाई जाए कि मिश्रण की कीमत 6.20 हो जाए? तो इस सवाल में आपको क्या समस्या होगी भाई? है जब तुमने इतने सवाल कर लिए थे भैया, एक चीनी 5.60 वाली, एक चीनी 6.40 वाली, एवरेज का रेट तुम्हें चाहिए 6.20, तो किस अनुपात में मिलाओगे बच्चों, मुझे बता दो। इधर 0.2, इधर 0.6, दोस्तों 1:3 आएगा क्या, मुझे बताओ, 1:3 बनेगा क्या? अब तुम्हें यह पता है कि पहले वाली चीनी, यानी ये वाली चीनी 20 किलोग्राम है, तो ये वाली चीनी 60 किलोग्राम मिलाओगे क्या? फिर इस सवाल में इतना क्या डाउट आ गया भाई? ये तो जो मैंने आपको बेसिक एलिगेशन बताया था उसी का तो सवाल है, उससे कोई अलग बात थोड़ी है। नौशाद अली, जब मैं चिल्ला रहा था कि 1 से 20 तक डाउट बताओ, डाउट बताओ, तब क्या सो रहे थे भाई? ये तो मैंने कल क्लास में बताया था यार, क्यों मजाक कर रहे हो भाई? कल की क्लास को पढ़ते ना एक बार। 20%, 8% टोटल पर आपको चाहिए 12%, तो इधर 4:8 आएगा, 1:2 आएगा। टोटल चावल 960 किलोग्राम थे, 960 बटा 3 है, 8% वाले कितने हैं, 8% वाले 2 आएंगे बेटा, 640 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। सत्रह नंबर तक के सवाल पूरे हो गए हैं। अब यार ये तुम कोई अभिषेक चौधरी भैया कोई मजाक कर रहे हो क्या? रुचि और नेहा बेटा, आपको 1 सेकंड का भी सुकून नहीं है क्या? जब मैं 20 तक की बातें बता रहा हूं रुचि, तुमने एक कमेंट को 300 बार कर दिया, और फिर तुम कहती हो मुझे समझ में नहीं आता, सर आई डिडंट अंडरस्टैंड, मुझे पल्ले नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं भाई एक बार 20 तक की बात समझ लो, एक बार 20 तक की बात कर लो। नहीं नहीं सर, पहले मेरे अकॉर्डिंग करवाओ सर, हद है मतलब बात किया। हर एक क्वेश्चन आपको रिपीट चाहिए होता है, हर एक क्वेश्चन, और मैं केवल इसीलिए कि चलो बच्चों का डाउट नहीं बचे, मैं आपके लिए हर एक सवाल रिपीट कर देता हूं कि चलो कोई बात नहीं समझ में आ जाए। तुमको मेरी कही हुई एक बात समझ नहीं आती, मैं कहता हूं कि 20 तक करो, आप कह रहे हो सर मैं तो 30 तक बताऊंगी सर,
मैं तो मतलब क्लास से अलग ही चलूंगी सर, मेरा तो हिसाब किताब अलग ही है सर, मैं कुछ कर नहीं सकती, क्या करूं है, सबर नहीं है ना भाई, क्या करें यार बताओ। मास्टर को मतलब गुलाम बना रखा है अपनी मर्जी से। मास्टर कह रहा है 20 तक, तो कह रहे नहीं नहीं गुरुजी, मैं कह रही हूं ना 30 तक, तो 30 तक चलो। हद हो गई मतलब बात की भाई। 18 नंबर सवाल अगर मुझे आपको बताना पड़ता है, अगर आपको 18 नंबर क्वेश्चन बताना पड़ता है ना, तो इसका मतलब मैं ये मानता हूं जी, मैंने एलिगेशन का कल जो 1 घंटा आपको पूरा बताया था ना, वो सब अपना वेस्ट हो गया बच्चे, वो सब मतलब वेस्ट वाली बात है, उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। ये कोई सवाल अलग थोड़ी है। अगर ये 11 है, ये 21 है, ये 17 है, अगर ये बात तुमको सवाल में कहनी पड़ती है, इसका मतलब ये 2:3 है, बात समझ में आ जाएगी। तो भैया कल नहीं होंगे तो हमारी गलती थोड़ी है। चलो एक 20 नंबर क्वेश्चन देखो, मैंने आपको कल बताया था कि आपके पास ना एक टंकी है 80 लीटर की, उसमें दूध भी है और पानी भी है। तो आपने अगर दूध को देखा तो 70% दूध खत्म हो गया टंकी में से, 70% दूध निकाल लिया। पानी को देखा तो 30% पानी निकाल लिया, और पूरी टंकी देखी तो 55% खाली हो गई। क्या दोस्तों ये 25:15 यानी 5:3 आएगा? तो डायरेक्ट सी बात है, मिल्क हो गया 50 और पानी कितना हो गया 30। हर एक बात आपके लिए इतनी इजी है, इतनी सिंपल दोस्तों। 21 नंबर सवाल बिल्कुल सेम है, आपको ये करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 65:30:60 लिखोगे 30 आएगा, इधर 5 आएगा दोस्तों, 6:1 आएगा, 60 और 10 आंसर आ गया होगा आपका। चलिए इतना मुझे बताइए, एलिगेशन का जो आपने नियम सीखा, एलिगेशन की जो आपने अब तक बात सीखी ना, आपको एक बात यूं समझ में आ गई होगी, आपको एक पॉइंट यूं पल्ले पड़ गया होगा कि एलिगेशन जो होता है ना, एलिगेशन एलिगेशन का मतलब होता है दो चीजों का मिक्सचर। दो चीज मतलब, एक तो चीज आप काउंट करते हैं इंडिपेंडेंट बॉयज के लिए मान लो, एक काउंट करते हैं गर्ल्स के लिए, और फिर काउंट करते हैं पूरी क्लास के लिए। तो दो अलग अलग चीजें और उनको मिलाया जाएगा तो उनके आधार पर बनता है एलिगेशन। ये कंसेप्ट हर उस जगह पर काम करेगा जहां पहले दो अलग अलग चीजों की बात करेगा और बाद में टोटल की बात करेगा। जैसे कभी आगे चल के सवाल आएंगे, आपने 1 पैसा इतने ब्याज की रेट पर दिया, आपने 1 पैसा इतनी रेट पर दिया, टोटल आपको इतनी रेट मिली, तो वो सवाल एलिगेशन का है। कभी आपको मिलेगा कि आपने एक घड़ी पर इतने परसेंट का प्रॉफिट कमाया, दूसरी पर आपने इतने परसेंट का प्रॉफिट कमाया, टोटल मिलाकर इतने परसेंट का प्रॉफिट कमाया, तो वो सवाल एलिगेशन का है। जब भी कभी इस प्रकार की चीजों को मिक्सअप करेंगे ना, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ एलिगेशन, ये बात आपको ध्यान दीजिएगा। अब सुनो भाई, एक बार बात समझो सवाल को, अब मैं आपको चीजें सिखाऊंगा कंसेप्चुअल, आप समझते जाओ, सीखते जाओ। जितने कंसेप्ट कल की क्लास में इस्तेमाल किए थे वो सारे काम आएंगे, वो हर एक बात कल की काम आएगी। बच्चों 50 बच्चों में 43 रुपए बांटे गए, ठीक है, प्रत्येक लड़के को एवरेज देखता हूं ना तो 94 पैसा मिला, 94 पैसा। प्रत्येक गर्ल की अगर मैं बात करता हूं ना तो लड़की को 69 पैसे मिले हैं, लड़के को तो मिले हैं 94, लड़की को मिले हैं 69, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जरा मुझे इतना बता दीजिए, 50 बच्चे हैं, टोटल तुम्हारे पास पैसे हैं 4300, बेटा 43 रुपए है ना, मैं इनको 4300 पैसे मान सकता हूं ना। तो पूरी क्लास का अगर एवरेज देखा जाए तो एक बच्चे को आप मुझे बता दो 86 पैसा मिला होगा क्या? भाई मैंने 4300 में भाग किया है और कुछ नहीं किया। दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 50 बच्चों में 43 रुपए बांटे हैं तो एवरेज ऑल एक बच्चे को 86 पैसे मिल गए क्या? ये आपने लिख दिया बीच में, खत्म बेटा, इतना सा काम करना है आपको, और बताओ सवाल में है भी क्या। तो इस साइड में कितना आएगा 17, और इस साइड में कितना आएगा दोस्तों 8, खत्म बात। टोटल बच्चे 50 थे, 50 बेटा वैल्यू किसकी है, 50 वैल्यू है 25 की, दुगना कर लीजिए, ये आएगा 34 और ये आएगा 16। यानी ये सवाल भी कोई अलग नहीं है, तरीका वही है, नियम वही है, बस आपको कंसेप्चुअल बात समझनी है कि बॉयज का तो एवरेज है 94,
गर्ल्स का एवरेज है 69, पूरी क्लास का एवरेज है 86 दोस्तों। तो चीजों को आपने सॉर्ट आउट किया, उत्तर बन गया 3416, आसान है। 23 भी सवाल बिल्कुल देखो सेम प्रकार का है। अब ये सवाल करने में आपका समय खर्च नहीं होगा, आपने वो सवाल समझ लिया। अब ये सवाल आपके लिए चुटकी में हो गया कि ये बॉयज को मिले हैं 90 पैसा, गर्ल्स को मिला है 65 पैसा, और पूरे बच्चों को 82 मिला होगा क्या, मुझे बताओ भाई। आपने कहा हाँ सर, और क्या गजब की बात है, 17 और ये 8 रेशो भी सेम आया है, इधर भी 3416 ही आंसर आया। सवाल नंबर 22 और 23 में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल नंबर 22 और 23 क्लियर है। 22 और 23 का सवाल बड़ा इजी है, कंसेप्ट बहुत आसान है। ठीक है जी, यहाँ 65 करना भाई। अरे 50 बच्चे हैं, 41 रुपए हैं, तो 4100 पैसे में 50 का भाग कर लेना भैया, 5 8 40, 5 2 10, ये 82 ऐसे आया है। जो बच्चे कल की क्लास में नहीं आए थे, सिर्फ आज से ज्वाइन किए हैं, उन लोगों से ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है बेटा, कल की क्लास को पढ़ो एक बार, फिर तुमको समझ में आएगा कि इन बातों का मीनिंग क्या है, इन बातों का अर्थ क्या है, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पहले बेटा प्रीवियस स्टेप को जरूर देखें, ठीक है। 24 नंबर सवाल बड़ा इजी है, हो गया होगा आपसे, सारे बच्चे बताओ कर लिया होगा आपने। ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन देखें बेटा, राधा ने 96,000 रुपीज का एक प्लाट खरीदा, ठीक, मजबूरी में उसका 1/3 भाग 10% की हानि पर बेच दिया। बेटा एक मेरी बात समझना, एक मेरा पॉइंट समझना, एक मेरी बात का अर्थ समझना, कि आपने अपने, ये राधा का प्लॉट है, ठीक है, ये राधा का प्लॉट है, इसने 1/3 भाग, मतलब 3 भाग प्लॉट के थे ना, तो उनमें से 1 भाग इसने 10% की हानि पर बेच दिया, क्या यही बात आपको कही जा रही है क्या। अरे 1/3 का मतलब क्या होता है कि पूरे खेत के, पूरे प्लॉट के अगर 3 भाग थे तो 1 भाग बेच दिया, ठीक है। आप मुझे बताओ इस भाग को आपने एक पर बेचा है, मतलब एक भाग ये है, तो बाकी बचा हुआ भाग 2 आएगा क्या भाई। पूरे प्लाट का 1/3 भाग आपने बेचा है लॉस पर, आपने बेचा है लॉस पर, तो बाकी का भाग कितना बच गया, आपने बोला 2, ठीक है। बोला पूछा कि बाकी का भाग कितने परसेंट पर बेचूं कि ऑल ओवर उसको 20% का प्रॉफिट हो, ऑल ओवर उसको 20% का प्रॉफिट हो, दोस्तों लगभग उसको 20% का लाभ चाहिए, ठीक है। आप मुझे बताओ, मैं इनका अंतर निकालता हूं ना, अंतर बेटा ये 10 माइनस का है और 20 प्लस का है, दोस्तों क्या इनका अंतर 30 आएगा क्या। अरे बोलो बोलो, इनका अंतर 30 आएगा क्या। अरे वो माइनस का 10 है और प्लस का 20 है, डिफरेंस कितना आ गया 30। दोस्तों ये अगर 30 है तो ये 1:2 था, 1:2, 1:2 था क्या, इधर 15 आना चाहिए क्या भाई। बड़ी सीधी सी बात है, 1:2 का मतलब ये है कि ये अगर 30 है तो इधर कितना आना चाहिए, 15। दोस्तों ये हानि हो रही थी, लॉस हो रहा था, मैंने कर दिया -10, इधर क्या है मुझे नहीं पता, ये कितना है +20, इनका अंतर 30 था, इनका अंतर 15 बनना चाहिए। आप मुझे कॉमन सेंस से सोच के बता दो, क्या इधर 35% आना चाहिए क्या। अब ये 35 मैंने क्यों लिखा, इस बात में आपको डाउट नहीं होना चाहिए भाई साहब, ये बात तुम्हें तुरंत पल्ले पड़ जानी चाहिए कि 35 यहां पे क्यों आया। आ गई बात समझ में, क्या तुम्हें एलिगेशन समझ में आ रहा है क्या भैया। मैं इस बात की बात नहीं कर रहा कि इस सवाल का उत्तर आया कि नहीं आया, आपको पॉइंट समझ में आना चाहिए कि आखिर इस सवाल का मतलब क्या है। कल को अगर वो थोड़ी बहुत लैंग्वेज को चेंज कर देना, अगर वो थोड़ी बहुत लैंग्वेज को चेंज कर दे, तो लैंग्वेज का आपको मतलब पल्ले पड़ जाना चाहिए कि आखिर सवाल तुम्हें
क्या कहना चाहता है। एक आदमी ने 2600 रुपए में एक गाय, एक भैंस और एक गाय खरीदी। अब देखो आप मेरी बात समझना सर, भैंस पर उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। देखो सब कुछ प्रॉफिट में ही है तो साइन लगाने की नीड नहीं है, अमाउंट का कोई काम नहीं है, तुम्हें कंफ्यूज करने को दी गई और कुछ नहीं। क्या प्यारे बच्चों आप इनका डिफरेंस निकाल के सॉल्व कर पाओगे? यार कौन सी बड़ी बात है, इनका डिफरेंस आएगा 3 सही 1/13। दोस्तों इनका डिफरेंस आएगा 1 सही 12/13, रेशो बन जाएगा। और बन ही गया, मतलब रेशो बन गया तो चीजें सॉल्व भी हो गई, कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ा ही आसान सवाल। दोस्तों 27 नंबर सवाल भी आपने कर लिया होगा। मेल का वेतन है 5200 रुपए, फीमेल का वेतन है 4200 रुपए, सबका वेतन है दोस्तों 5000 रुपए। ये 8 800 मतलब ये 204:1 आएगा, तो पुरुष 280% है। ये तो बड़े आसान सवाल है, बड़े ही इजी, बहुत बढ़िया। हाँ कर लो भैया कर लो। सोना पानी से 19 गुना भारी है, सोना पानी से 19 गुना भारी है। राम कुमार सिंह भैया घटाना जोड़ना सीखो यार, भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो आप। सोना पानी से 19 गुना भारी है, क्या मैं ऐसा बोल दूं क्या? और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। तो डायरेक्ट आप देखो ये समझ लो कि जो सोना है ना, सोना ये तो 19 गुना भारी है, जो तांबा है तांबा ये 9 गुना भारी है। किस अनुपात में मिलाऊं कि ये 15 गुना भारी बन जाए? तो जनाब ये 6 और ये 4, उत्तर आ गया 3 अनुपात। तो सवाल वही है, तरीका वही है, बार बार तुम्हें एलिगेशन लगाना है दोस्तों, बार बार तुम्हें एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन का मतलब समझना है, चीजों को मिक्स करने की बात करनी है बस। सवाल बड़ा इजी है, कर लिया होगा आपने 29th आउट आपने कर लिया होगा। सुनो ध्यान से देखो, एक द्रव पी, ये है द्रव पी, ये पानी की तुलना में 1 सही 3/7 गुना भारी है। मतलब पी है ना पी, ये पानी की तुलना में 10/7 गुना भारी है। ऐसा लिख दूं क्या एक बार के लिए, समझाने के लिए, कि पानी का अगर रेशो 1 है तो पी का 10/7 है, यानी दोस्तों 10:7 है ये पानी का, और इसका मतलब ना 10:7 है, इतना बताओ, इतना समझ में आए? देखो पी पानी से इतना रेशो है 10:7 का, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है पानी एक द्रव क्यू से इतना भारी है, जो पानी है ना पानी वाटर, ये क्यू के मुकाबले 7/5 भारी है, क्या इनका अनुपात ये बन गया क्या? देखो पी वाटर से इतना भारी है और वाटर इससे इतना भारी है, ठीक है। दोनों तरफ वाटर देखो साथ साथ ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं मान सकता हूं पी कितना है 10, क्यू कितना है 5 और वाटर कितना है 7। अब ये सवाल कह रहा है पी, देखो यहां देखो एक बार, मैं पी मिला रहा हूं और क्यू मिला रहा हूं, ठीक है। पी का वजन कितना है 10, क्यू का वजन कितना है 5, इनको ऐसे मिलाओ कि इनका वजन पानी के बराबर हो जाए, यानी 7 हो जाए। इनको ऐसे मिलाओ कि इनका वजन पानी के बराबर हो जाए, 7 हो जाए। दोस्तों 2:3 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया, ठीक है, 2:3 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। ये कह रहे हैं कितने लीटर पी के साथ 21 लीटर क्यू मिलाएं, क्योंकि मात्रा आपको दी गई है 21 लीटर। दोस्तों पी की मात्रा बताओ 14 लीटर आएगी क्या? अगर क्यू की मात्रा 3 है और उसका मतलब 21 दिया हुआ है, तो पी का मतलब 2 आएगा और 2 का मतलब क्या बनेगा? 14। थोड़ी सी लैंग्वेज को अलग तरह से देने की कोशिश की गई, बाकी जितनी सवाल जितनी बातें आपने अब तक पढ़ी थी, क्या ये भी सवाल वैसे जो था? कुछ अलग बात कुछ अलग नियम नहीं है बेटा,
नॉर्मल कंसेप्ट है, नॉर्मल बात है, 2:3 सेट करना है, खत्म बात। इससे इजी क्या हो सकता है? अब समझो मैं ध्यान से कहने के लिए, सवाल ये ब्याज का है बच्चों, पर ये सवाल एलिगेशन का है। आप समझिए कैसे। 3600 रुपए में से कुछ धन 4% की दर पर ब्याज पर दिया गया और कुछ धन 6% की ब्याज पर दर पर दिया गया। ठीक है दोस्तों, 5 साल का ब्याज मिला है 960। अब मुझे ना ये नहीं पता कि एवरेज रेट क्या मिली है, तो एवरेज रेट तो आप ज्ञात कर सकती हो ना बच्चों। 5 साल में अगर 960 रुपए ब्याज मिला है तो क्या 1 साल में 92 मिला होगा क्या? अरे 960 में 5 का भाग दे लो भैया, सॉरी 192, 192। हाँ, 192 है। 1 साल में आपका ब्याज 192 आया होगा क्या 1 साल में? और रेट ऐसे तो निकालते हैं कि 1 साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल गुणा 100। ऐसे भाई ये जो ब्याज आया है किस पर आया है? 3600 पे तो आया है। आपको 1 साल में कितना ब्याज मिला ये आपने चेक कर लिया दोस्तों। इसको अगर काटोगे ये पूरा पूरा तो आई थिंक नहीं कट पाएगा। एक बार 3 से काट लें, ये 12 से काट लूं, 12 से, 12 3 36, 12 1 12, 12 6 72, 16/3% की रेट आ गई जी एवरेज। अब आपने कहा देखो एक बात समस्या आती है, बच्चे कहते हैं बिगुरु जी ये बटा 3 में से घटाने में ना बहुत टाइम लग रहा है, ये बहुत टाइम लेकिन हो गया 16/3 -4 ये घटाना। तो हम ये काम कर सकते हैं बेटा, इस पूरे सवाल को ना आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपको फ्रैक्शन वाली बात से मुक्ति मिल जाएगी, फ्रैक्शन वाला काम नहीं करना पड़ेगा बच्चों। क्या मैं इसको 12% 18% और 16% मान लूं क्या? देखो 4 3 12, 6 3 18 और ये 3 कट गया, खत्म बात। अब ये बन गया 2:4 दोस्तों, अब ये बन गया 2:4 दोस्तों, यानी कि 1:2। जो पैसा आपने ब्याज पर दिया होगा ये 1:2 में दिया होगा, 1:2 में दिया होगा दोस्तों। 3600 रुपए को 1:2 में काटना आपके लिए जितना टफ है उतना मुझे बताइएगा। आपके सवाल का उत्तर आ गया 1200 और 2400। क्या आई बात समझ में? क्या तुम्हें सवाल करने का मजा आया दोस्तों? डिफिकल्टी की कोई बात ही नहीं है भाई, परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है, सिर्फ सवाल को देखना है। हर एक सवाल आपकी समझ में आना चाहिए दोस्तों। तो ये वाले सवाल आते हैं सिर और पैरों वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअल में रीजनिंग में भी आता है, ये क्वेश्चन मैथ्स में भी आता है। रीजनिंग का है, मैथ्स का मान लो एक टॉपिक है अर्थमेटिकल रीजनिंग, ये सब में सवाल आता है। देखो कई किताबों में आपको इस सवाल को करने का फॉर्मूला दिया आता है, पता नहीं सर बटा पैर गुणा क्या बने क्या, मेरे को नहीं आता क्या फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला मिलता है, मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताना चाहता, आप मेरे सवाल का कंसेप्ट समझना, आप लॉजिक समझना। ठीक है, एक चिड़ियाघर में हिरण है और बतख है, डियर है और डक है। बेटा ये बात पता है, हिरण के ना पैर होते हैं 4 और बतख के पैर कितने होते हैं 2। और सर हेड सबका एक ही होता है, अगर उनके सर गिने जाए ना तो 180 है। इसका मतलब अगर मैं उनके हेड्स को काउंट करता हूं ना, अगर मैं उनके सिरों को काउंट करता हूं ना, तो 180 है, मतलब टोटल जानवर 180 है। ठीक है, उनके पैर गिने जाए ना तो 448 है, 448 है। तो हिरण और बतख कितने कितने ये आपको बताना है। हालांकि कई फॉर्मूले भी होते हैं, क्या होते हैं, आप एक मेरी सीधी सी बात समझना बेटा, इस सवाल को करने का एलिगेशन का कंसेप्ट क्या है सुनो। अरे कौन सी इक्वेशन, हिरण और बतख की बात करते हैं, डियर और डक की बात करते हैं। बच्चों आप मुझे बताओ टोटल जानवर कितने हैं, टोटल जानवर कितने हैं? टोटल जानवर है 180, 180, 180 टोटल जानवर है 180। आप मुझे बताओ ये सारे के सारे अगर डियर होते, 180 के 180 अगर मान लो हिरण होते, तो क्या इनके 720 पैर होते क्या? अरे भैया एक हिरण के तो 4 पैर होते हैं ना, तो 180 हिरणों के 720 पैर होते। और दोस्तों अब मैं मानता हूं कि अगर सारी की सारी बतख होती ना, इनके 360 पैर होते।
बड़े कायदे वाली बात है। सारे के सारे हिरण होते तो 720 पैर होते, सारी की सारी बतख होती 360 पैर होते। और प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, सवाल कह रहा है ये 448 पैर है, यानी मैं हिरणों को काउंट करता तो 720, बतखों को काउंट करता तो 360, और मिला के काउंट करता हूं तो 448। अरे भैया इतना आसान है भाई, एक बार इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए, एक बार इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए 88। इन दोनों का अंतर अगर ज्ञात करोगे, इन दोनों का अंतर दोस्तों ये आएगा 272। ये हिरण और बतख का रेशो आया, रेशो। और दोस्तों अगर तुम्हें एक्चुअल क्वांटिटी ज्ञात करनी हो ना, बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं, बस इसका हाफ कर लीजिएगा। डियर होंगे 44, बतख होंगे 136, तुरंत आप अपने सवाल का उत्तर ज्ञात कर पाओगे। हमने कोई इक्वेशन नहीं बनाई, कोई कुछ नहीं किया, डायरेक्टली इस बात को अपन ने सॉल्व कर लिया। हिरण और बतख पर एलिगेशन लगा दिया कि हिरण कितने हैं और बतख कितने हैं, उनके पैर काउंट किए, मिक्सचर के पैर काउंट किए, इससे रेशो बन गया, और रेशो से आपका सवाल दोस्तों इजी हो गया। ठीक है। अरे हाफ मैंने पता है क्यों किया, हाफ करने की कोई वैसे वजह नहीं है, एक्चुअल में क्या है, ये रेशो बनता दोस्तों। अब आप रेशो को काउंट करते, आप रेशो काउंट करते, आप बोलते कि 4 से काट लिया या 8 से कट पाता है क्या? हाँ, 8 से काट लिया। 8 से काट के आप बोलते 11:8 या 24, 3 2, 8 6 32, ये बोल देते। फिर तुम बोलते 180/45 है, गुणा करते आप 11 से, क्या तब बताओ काट के 44 ही आता क्या? तो हमने क्या कर रखा है, कई बार ऐसे सवाल देखे तो हमें समझ में आ गया कि उतना सब करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ आधा करके उत्तर आ जाता है, इनका हाफ करके आंसर आ जाता है। तो मैंने हाफ करके बता दिया और कोई इसका तरीका नहीं है। फिर समझो, एक बार और देखो इस सवाल को, हम एक और तरीके से मेंटली कर सकते हैं। एलिगेशन में फिर भी कुछ नोट करना पड़ा, हम इस चीज को थोड़ा सा आसान भी कर सकते हैं। दोस्तों आप ये जानते हैं कि टोटल तुम्हारे पास जानवर हैं 180, टोटल तुम्हारे पास जानवर हैं 180, सब जानवरों के दो दो पैर तो है ही है ना बेटा, तो किसी के दो पैर हैं, किसी के चार पैर हैं, है ना, किसी के दो पैर हैं, किसी के चार पैर हैं, लेकिन सबके दो तो कॉम्प्लीमेंट्री है ही है, दो तो जरूरी है ही है, आपने कहा हाँ। तो एक बात बताओ, आपके पास टोटल 360 पैर तो होने ही चाहिए कम से कम। अरे टोटल 360 पैर तो कम से कम होने चाहिए, इस 360 को आपने इसमें से घटा दिया, ये क्या बच गया 88। ये जो 88 बच गया, ये जो 88 बच गया, ये इतने पैर फालतू कहां से आ गए, 88 पैर फालतू कहां से आ गए दोस्तों? ये 88 पैर जो आए हैं ना, 88 पैर जो आए हैं ना, ये डियर के एक्स्ट्रा पैर है। एक डियर के दो दो पैर एक्स्ट्रा होते हैं, भी मैंने चार होते हैं, दो काउंट करके दो एक्स्ट्रा होते हैं, तो डियर के 88 पैर एक्स्ट्रा थे दोस्तों। आप इसको 2 से भाग कर लीजिए, आपको 44 डियर मिल जाएंगे, 44 डियर मिल जाएंगे। एक ही बात हुई रहा, ये 88 आया था, इसका हाफ किया, एक ही बात है। आप डायरेक्टली सवाल यूं कर सकते हैं कि भैया 360 पैर तो होने ही होने चाहिए थे, 88 पैर एक्स्ट्रा कहां से आए? ये एक्स्ट्रा पैर आए हैं डियर से, तो एक डियर के दो पैर एक्स्ट्रा थे, तो 88 पैर एक्स्ट्रा होने के लिए 44 आना चाहिए, दिस इज द राइट आंसर। आ गई बात समझ में? जैसे देखो ये सेम सवाल है, अब इसमें क्या है, खरगोश के चार पैर हैं और कबूतर के दो। एक बार मैं तुमको देखो डायरेक्ट सवाल करके बता रहा हूं बिना कुछ किए हुए, 90 का डबल होता है 180, 180 पैर तो होने चाहिए, 180 पैर तो होने चाहिए दोस्तों, ये 44 पैर एक्स्ट्रा आ गए, 44 पैर एक्स्ट्रा आ गए, तो भैया रैबिट 44 का हाफ होगा 22 होगा, खत्म। रैबिट 22 होगा, और रैबिट अगर 22 आ गया तो आपके पास पिजन अपने आप आ गए। क्या बताओ, इतनी जल्दी पहले आपने उत्तर निकाला था सवाल का, आपने भी इतनी फास्ट किया होगा, मेरे को पता है भैया विजार्ड लोग हो आप लोग, कोई आम बात थोड़ी है। अरे भैया 224 में से 180 घटा दिए,
224 में से 180 घटा दिया, और कोई बालक अगर डायरेक्टली इतना फास्ट ना कर पाए ना तो वो एलिगेशन कर सकता है विपिजन है और रैबिट है। नहीं भैया, विजार्ड तो कोई और ही है, हम थोड़ी हैं, हम तो मित्र हैं आपके, दोस्त हैं आपके, तो समझा रहे हैं आपको। इधर 180, इधर 360, इधर 224, इनका अंतर लीजिएगा, आधा लीजिएगा, बात खत्म। शीतल प्रजापति, तुम कैसी बात कर सकते हो? दो ऑप्शन सेम कैसे बन सकते हैं? दो ऑप्शन सेम कैसे बन सकते हैं? हाउ इट कैन बी पॉसिबल यार, हैं? ऐसा ऑप्शन एक और भी आ सकता है क्या? पी इसमें भी 68 आ जाए और 22 आ जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? सुनो, बालक है, बीच में बहक जाते हैं मुद्दे से। सोने की दो अंगूठियां हैं 18 ग्राम 12 ग्राम। दोस्तों ये उनका भार है, ध्यान दीजिएगा, 18 ग्राम 12 ग्राम वेट है। कहीं वेट पर एलिगेशन मत लगा दीजिएगा, वेट पर कहीं एलिगेशन मत लगा दीजिएगा। मैं कहता हूं एक की शुद्धता है 20 कैरेट, ये हुई बात। एक की शुद्धता है 15 कैरेट, सही बात। तो दोस्तों मिक्सचर में जो इनका वेट है ना, वेट देखो दोस्तों, 18 और 12 को आप मुझे बताओ 3:2 लिख दूं क्या? अरे बोलो 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 बोलो। एक की शुद्धता है 20 कैरेट, एक की है 15 कैरेट, इसका भार है 18 ग्राम, इसका भार है 12 ग्राम। दोस्तों मैंने 3:2 लिख दिया, आप बताओ मिक्सचर में सोने की शुद्धता क्या बनेगी? क्या दोस्तों आपको मीन वैल्यू पूछी गई है? क्या दोस्तों आप मीन वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं? इस सवाल में सबसे बढ़िया तरीका रहेगा सेकंड वाला। इस सवाल को करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका बेटा क्या सेकंड वाला रहेगा क्या? हाँ जी, आप जाओ, आधे घंटे आ जाओगे? ठीक है, आ जाओ। हाँ भाई, डिफरेंस सबसे बढ़िया समझ में आया तुम्हें? इनका अंतर 5 का है, 5। तो बेटा 5 का मतलब क्या होगा? इधर 3 है, इधर 2 है, और एक्चुअल में ये लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये लिखा हुआ है, ये 18 बनेगा, काम खत्म। अरे कोई इससे इजी बात हो सकती है? कोई इससे इजी सवाल बन सकता है बताओ? और ये वो सवाल है भाई जिसको लोग पेपर में छोड़ के आते हैं, ये कहते हैं कि मैथ तो बहुत लेंदी आई थी, मैथ बहुत टफ आई थी, मैथ बड़ी मुश्किल आई थी। भाई मुझे लगता नहीं कि आपको ये सवाल किसी एंगल से छोड़ना चाहिए। ये सवाल किसी बालक ने किया? अच्छा बेटा, अर्थमेटिक आता है 50% आता है बेटा, 50 आता है पूरा पूरा, आधी गणित अर्थमेटिक, आधी एडवांस है। चलो सुनिएगा, एक बाजार में व्यक्तियों की औसत संख्या रविवार के दिन 510 है, ठीक है, सप्ताह के बाकी दिन में 240 है, ओके, महीना 30 दिन का है, रविवार से शुरू होता है, तो प्रत्येक दिन व्यक्तियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे किया आपने ये सवाल दर्जो, किस प्रकार से किया? देखो एक बात तो आप ही समझ लो कि महीना 30 दिन का है, शुरू होता है रविवार से, 1 तारीख को रविवार, 8 तारीख को रविवार, 15 को रविवार और 22 को रविवार और 29 को रविवार। क्या बात, तुम्हें ये पता है क्या? इस मंथ में 5 तो संडे आए होंगे दोस्तों और 25 दिन अदर डे आए होंगे, क्या ये बात सही है? इतना तो आपको पता ही होगा ना। अब ये हमको कहता रविवार के दिन तो 510 आदमी एवरेज आए थे, तो टोटल आदमी रविवार को इतने आए होंगे, बाकी के दिन में 240 आए थे, तो 240 गुणा 25 दिन इतने लोग आए होंगे, और इसको आपने 30 से भाग कर लिया, इस प्रकार आपके सवाल का उत्तर आ गया। बच्चों ऐसा ही काम किया क्या?
तो इसमें तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी चौड़ी हो गई होगी, करने में टाइम बहुत लग गया होगा। दोस्तों आप एलिगेशन को पढ़ना सीखो मेरे प्यारे बच्चों, आप एलिगेशन को समझो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि संडे है ये और ये है अदर डेज। आपने कहा जी हां कोई दिक्कत नहीं है। संडे को एवरेज बंदे कितने आए? 510। अदर डेज में कितने बच्चे आए? अदर डेज में लोग आए वो 240 आए। सही बात। और आप बताओ ये संडे का और अदर डेज का अनुपात क्या 1:5 है क्या? ये बात देख के बताओ मुझे। संडे को 510 लोग आए, अदर में 240 लोग आए दोस्तों, तो 1:5 है। संडे 5 है वो 25 है, 1:5 है क्या? क्या हम इसमें अपना तरीका मीन वाला ज्ञात कर सकते हैं क्या भाई? आप जानते हैं इन दोनों का अंतर आएगा 270। दोस्तों इन दोनों का अंतर आएगा 270। 270 को अगर मैं 1:5 में बांटूंगा तो आपको पता है ना, देखो 270 के अगर मैं 6 भाग करूंगा तो 1 भाग का मतलब आएगा 45। बोलो 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 बोलो, 1 भाग ज्ञात कर लो, 1 भाग 45 आएगा, पता है ना? हाँ। और दोस्तों ये जो मीन वैल्यू आएगी, ये जो मीन वैल्यू आएगी ये 240 से ज्यादा आएगी क्या? क्या 240 से ज्यादा ही तो आएगी? तो 285 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। आप मुझे बताओ इसमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता पड़ी क्या? हमने कैलकुलेशन कितनी आसान कर दी, वो वैसे हो जाता, वैसे हो जाता, उस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इस सवाल को करने का बड़ा आसान तरीका है। अरे भैया संडे है 5, बाकी दिन है 25, तो इसका अनुपात 1:5 नहीं आ जाएगा क्या? आंखें खुली दिखा करो भैया, सवालों को ध्यान से पढ़ा करो। ध्यान देते नहीं है ना भाई साहब, गलती मास्टर की होती है सारी। लास्ट में, लास्ट में सारा ठीक रहा मास्टर पे आता है कि उन सर ने मैथ बढ़िया नहीं पढ़ाई, मजा नहीं आया। सुमित सर तो रीजनिंग के मास्टर है ना, मैथ के थोड़ी है, तो उनको थोड़ी मैथ आती है, तो मैथ समझ में नहीं आती। नहीं नहीं सर ऐसा होता है। चलो समझो, करतार सिंह जी आप कल की क्लास में आए थे क्या? कल की क्लास में आए थे क्या भाई? तो मेरे भाई आप मेरी बात समझो ना, मैंने आपको कल क्या किया था? कल मैंने आपको 1 घंटा लगाकर इसका पूरा कंसेप्ट सिखाया था। और बच्चों मैंने आपसे ये बात कही भी थी, आप याद कर लो, आप याद कर लो, मैंने कही भी थी कि कल कुछ ऐसा होगा जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो बच्चे बीच में कूद कूद के आ रहे होंगे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो भाई वो कैसे आएगा यार? समझो, एक व्यक्ति 2 घड़ियां। अब देखो ये कहने के लिए टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, आप समझो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं बच्चों, बीच में कोई सवाल ब्याज का भी आ रहा है, कोई सवाल लाभ हानि का भी आ रहा है, लेकिन ये सब क्वेश्चन ना एलिगेशन पर बेस्ड है। एलिगेशन तुम समझोगे ना तो आगे बड़े बड़े टॉपिक में, बड़ी बड़ी बातों में ना ये चीजें काम आएंगी। और जब हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे होंगे या जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे होंगे तो मैं रिपीट नहीं करूंगा कि ये मीन वैल्यू कैसे आ गई, तब वो बातें पता होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बच्चे को उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो बेटा, एक को आपने 5% की हानि पर बेचा, तो आपने लॉस, लॉस को क्या माइनस कर दिया क्या? माइनस में बेटा, लॉस है ना, माइनस में कर दिया। दूसरे को 20% के प्रॉफिट पर बेचा, सेकंड को आपने 20% के प्रॉफिट पर बेचा है दोस्तों, 20% के प्रॉफिट पर बेचा है, और पूरे पर इसने 50 रुपए का लाभ कमाया। दोस्तों 1,000 रुपए के सामान पर अगर 50 रुपए कमाते हैं तो क्या 5% कमा रहे हैं क्या? अरे बोलो बोलो बोलो। तो मालिक इधर आएगा 15, इधर आएगा 10, 3:2 आएगा, उत्तर आ जाएगा 600 और 400 रुपए। इन प्रकार के सवालों को तो मैं मानता हूं बेटा आप अपने मन से अब कर सकते हैं, इन प्रकार की बातों में तो आपको डाउट नहीं आना चाहिए यार। जहां तक मैं चीजों को समझा चुका हूं, चीजों को बता चुका हूं बेटा, ये बातें आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा।
सिर्फ मुझे पढ़ के बताओ यस और नो में सवाल हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें डेटा चाहो तो देखो नोट करता हूं, इधर 10 आएगा, इधर 5 आएगा, इधर 7 आएगा, खत्म बात। अब मैं क्या करूं, सवाल हो ही गया। जितनी देर में मैं आगे चलता आपके कमेंट पढ़ता उतने में तो सवाल हो ही गया बेटा, 4,000-6,000 आंसर आ गया। पेपर में भी ये सवाल करने में इतना पता लगना चाहिए आपको। क्लास को कम से कम 2 बार देखकर शीट को 4 बार सॉल्व करके ना बेटा, आपको ये अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, आपको ये समझ बन जाएगी कि किस सवाल को किस तरीके पे लगाना है। इसीलिए तो काम करते हैं बेटा। 37 नंबर सवाल बड़ा इजी है। अच्छा, एवरेज 50 है, इनका 150 है, इनका 40 है, ये 50 है, खत्म बात। हाँ जी, 1,103। हाँ, रुक क्या हो गया ना, अभी अब पहुंच ही गए, रुक क्या हो यार, थोड़ा 5-10 मिनट लगाओ, मेरा काम करो थोड़ा सा, एक फ्री होगा 3 बजे, इसलिए बोल रहा हूँ आधे घंटे बाद ना आपको। 10 मिनट, 10 मिनट, अरे तो भाई 10 मिनट में आ जाए, 10 मिनट हो जाए यार, थोड़ा अर्जेंट काम है, 10 मिनट आप 10 मिनट में आ जाना, कोई बात नहीं, 10 मिनट में आ जाना आप। बताओ यार, ये ऐसे लोग भी होते हैं क्या? मैंने एक्चुअली वो कंप्लेन डाली थी अभी, आपको पता है बच्चों, अपने यूट्यूब पे क्लास ठीक से रन नहीं हुई थी उस दिन, प्रॉब्लम आ गई थी ना, तो उसका कारण क्या हुआ था तुम्हें बताऊं मैं एक्चुअल बात। ये अपना स्टूडियो है जहां हम बैठे हैं अभी, लेकिन जो वाईफाई का जो ना डिवाइस राउटर वो लगा हुआ है मेरे से 2 दीवार, मतलब मेरे घर में ही है, किचन में जो एरिया है ना कॉमन एरिया वहां लगा हुआ है, तो वहां से यहां तक नेटवर्क पूरा नहीं आ पाता। उधर तो प्लान है 500 Mbps का, अपने यहाँ स्पीड पहुंचती है 125-150 के आसपास की, वो बीच बीच में टूट जाता है। तो मैंने एक कंप्लेन करी हुई थी उनको कि मेरा राउटर वहां से उठा के मेरे रूम में लगा के जाओ, तो वो मेरे को लगा कि परसों आ जाएंगे, नेक्स्ट डे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, और भाई तो पहुंच ही गया, सुबह कंप्लेन करी, अब पहुंच ही गया, और कह रहा है कि अभी 10 मिनट में आ जाऊंगा। भाई ना भाई, जियो जियो फाइबर, जियो फाइबर। मैं मतलब गजब की बात कर रहे हैं यार, मैं कह रहा हूँ भैया आराम से आओ, भैया आराम से आओ, आपके सामने बोला मैं भैया आधे घंटे बाद आना, और वो पहुंच गया। अब कह रहा है कि मैं आपका असल फ्लैट नंबर क्या है भाई, मैंने कहा 1,103 है, बोला सर मैं बाहर ही खड़ा हूँ, और रुक जाओ भाई 5 मिनट यार। हाँ या 1,103 ना भाई, कोई खौफ नहीं है, टाइम पास, जयपुर शहर बेटा, जयपुर जयपुर, 1,103 सेडार लग्जूरिया नियर इस्कॉन रोड मानसरोवर। सुनो भाई सुनो, तो बच्चों 38 नंबर सवाल आप कर सकते हैं सेल्फ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ घर पहुंच जाओगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब बेटा एक बार ना तुम ये 39 नंबर सवाल और देख लो, कहाँ गया कहाँ गया। हालांकि अगर वो इश्यू बेटा इंटरनेट का ना होता ना, तो मैं ये क्लास अपने आप कंटिन्यू करता और वो कर लेते। अब उनका काम भी मैंने इंटरनेट का है, तो वो इंटरनेट वहां से हटाएंगे, एक बार ऑफ करेंगे, तो फिर मुझे आज की क्लास कम करनी पड़ेगी थोड़ी सी। सुनो बेटा, 60 रुपए पर केजी की चाय पत्ती है, 65 रुपए पर केजी की चाय पत्ती है, तो किस अनुपात में मिलाया जाए, किस रेशो में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68.20 रुपए बेचने पर 10% का लाभ हो। दोस्तों गौर कीजिए, ये है 60 रुपए कॉस्ट प्राइस, 65 रुपए कॉस्ट प्राइस, तो क्या बताओ इधर भी बीच में कॉस्ट प्राइस आना चाहिए ना, अरे कॉस्ट प्राइस ही आना चाहिए। हाँ, अब 68.2 रुपए है ना, ये 10% लाभ मिलाकर है, यानी 110 की वैल्यू है, तो आप सीपी ऐसे ज्ञात कर सकते हो क्या भाई? 68.2 जो है ना,
ये वैल्यू किसकी है? वैल्यू है ये 110 की, आपको 100 की वैल्यू चाहिए। 0 से 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 6 66, यहां आएगा 62। बस 3:2। तो दोस्तों ये जो एलिगेशन के कंसेप्चुअल बातें हैं, आप मुझे बता दो कल की क्लास तक आप कितने सवाल कर लाओगे भाई ठीक ठाक से? ये सवाल भी हो जाना चाहिए। ये सवाल देखो भैया, मैं कह रहा हूं अटेम्प्ट तो सारे बच्चे 100 तक करके लाओ, कम से कम कम से कम अटेम्प्ट तो 100 तक करके लाओ ना। ट्राई तो शीट के सवाल सारे ही करो, हो जाए उतने तो बहुत बढ़िया बात है, ना हो पाए उनको छोड़ दीजिएगा। अच्छा एक बार रुको, तुम ये 51 नंबर सवाल और देख लो एक बार, एक कंसेप्ट और सीख लो, ये वाला एक नियम और सीख लो, आप इस वाले बेस क्वेश्चन भी कर पाओ। फिर ये मत कहना कि ये नियम हमें आता नहीं था। सुनो बेटा, बर्तन ए में तो दूध और पानी का अनुपात है 4:5, बर्तन बी में अनुपात है 5:1। कह रहा बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध पानी का अनुपात 5:4 हो जाए? दीपक भाई वो इंटरनेट लग रहा है आज, देखो फिर काम करते हैं, डन आपका। सुनो बेटा, इस प्रकार के सवाल की लैंग्वेज को आप गौर से पढ़ना। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ना इन सवालों को करने के लिए आप क्या करो, या तो दूध को कैप्चर कर लो या कर लो पानी को, मतलब कोई एक चीज को फिट कर लो दिमाग में, या दूध कर लो या पानी कर लो। जैसे आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि बर्तन ए और बी में मिश्रण में दूध पानी का ये अनुपात है, आप मुझे बताओ बर्तन ए में दूध कितना? 4:9 होगा क्या? 4:5 का मतलब क्या है? 4 दूध 5 पानी, मैं बोल सकता हूं क्या दूध 4:9 है? और दूसरे वाले में दूध कितना? 5:6 है क्या? मिश्रण में आपको दूध चाहिए 5:9, मिश्रण में आपको दूध चाहिए 5:9, सीधी सी बात है। फर्स्ट वाले में 4:9, सेकंड वाले में 5:6, और मिश्रण में चाहिए 5:9। दोस्तों आसान करने के लिए क्या बताओ, सबका मल्टीप्लाई 18 से कर लूं? 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 8 आ गया, इधर 15 आ गया, दोस्तों 10 आ गया। क्या बताओ 5:2 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया क्या? आपने कहा सर दूध की बजाय पानी को कंसीडर करते हैं, तो चाहे पानी को कर लो बेटा, तब भी सवाल सही बनेगा। तब आप इधर भी पानी, बीच में पानी मान लीजिएगा, तीनों जगह पानी लेके चलिएगा, तब भी सवाल सेम होगा। तो फिलहाल आप अभी के लिए इतने सवाल करो बेटा, फिलहाल आप अभी के लिए इतनी बातों को सॉल्व करो। इस क्लास में कोई डाउट रह गया हो तो रिपीट करना, कल की क्लास में आने से पहले पहले ये 100 क्वेश्चन है, इन सब की एक बार रीडिंग मार्कर ट्राई कीजिएगा। ऐसा ना हो कि बच्चे बोल दें कि सर 61 62 63 समझ नहीं हुए, आप सारे सवाल कीजिएगा, टोटल ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप कर पाओगे। फिर भी रह जाए तो कोई बात नहीं, कल मिलते हैं बच्चों, अभी आज के लिए शुक्रिया, नमस्कार बच्चों, जय हिंद जय भारत, ध्यान रखिए अपना।